इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी की मदद से आर्क यानी ज्वाला का निर्माण किया जाता है। इस आर्क का तापमान 3600 से 4000 अंश सेल्सियस तक होता है। यह तापमान धातु को पिघलाने के लिए काफी होता है। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में जिन दो धातुओं को जोड़ना है उन्हें और इलेक्ट्रोड को इस आर्क में पिघलाकर एक जोड़ बनाते हैं जिसे वेल्ड कहते हैं। ठंडा होने पर यह वेल्ड काफी मजबूत होता है। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट को आवश्यकता के अनुसार कम या ज्यादा कर हल्के और भारी ऐसे सभी प्रकार के वेल्डिंग का काम कर सकते हैं। अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट, इन दोनों प्रकार की वेल्डिंग मशीनों का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में किया जाता है। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में लगने वाला महत्वपूर्ण साधन है इलेक्ट्रोड। यह एक धातु की तार होती है। वेल्डिंग के इलेक्ट्रिक सर्किट को इलेक्ट्रोड पूर्ण करता है और उसके साथ धातुओं के बीच जोड़ बनाने के लिए फिलर धातु भरने का काम भी इलेक्ट्रोड करता है। इलेक्ट्रोड पर फ्लक्स का लेपन किया जाता है। वेल्डिंग करते समय वातावरण में मौजूद गैसेस वेल्ड को खराब कर सकते हैं। जब वेल्डिंग होती है तब इलेक्ट्रोड के साथ साथ फ्लक्स भी जलता है। उससे निर्मित होने वाली गैसेस वातावरण में मौजूद गैस को दूर रखती है और वेल्डिंग को यानी जोड़ को खराब होने से बचाती है। छोटे छोटे कार्यों के लिए इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग अधिक उपयोगी और किफायती है। इसके साथ काफी बड़े क्षेत्रफल वाले कार्यखंड पर वेल्डिंग करने के लिए भी विद्युत आर्क वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग के द्वारा वेल्डिंग करने में समय कम लगता है। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के लिए आवश्यक सामान और वेल्डर दोनों आसानी से उपलब्ध हैं। अन्य वेल्डिंग प्रक्रियाओं की तुलना में विद्युत आर्क वेल्डिंग सस्ती होती है। हर जगह बिजली की आसानी से उपलब्धि के कारण विद्युत आर्क वेल्डिंग का इस्तेमाल सामान्य है। वेल्डिंग के लिए अनेक प्रकार के वेल्डिंग इलेक्ट्रोड उपलब्ध हुए हैं जिनका प्रयोग कर लगभग प्रत्येक प्रकार की धातु को वेल्ड किया जा सकता है। अब आपके लिए एक काम, आपके नजदीक के वेल्डर के पास जाकर इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग देखें, उसके बारे में वेल्डर से और जानकारी प्राप्त करें।